न्यूज चैनलों पर अब नहीं दिखेंगे सपा के नेता और प्रवक्ता अखिलेश यादव के बयान से चर्चा तेज, जाने मामला। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकार के दबाव में होने का भी आरोप लगाया और मीडिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 तक उनकी पार्टी द्वारा मीडिया से दूरी बनाए जाने की भी बात कही। अखिलेश यादव इटावा में समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता महावीर सिंह यादव के फतेहपुर आवास पर शोक संवेदना प्रकट करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। अखिलेश यादव ने 2024 के संसदीय चुनाव में टीवी मीडिया की भूमिका पर तंज कसते हुए कहा कि 2024 के संसदीय चुनाव की तैयारियों के क्रम में न्यूज चैनलों से दूरी बनाई जाएगी और उनके दुष्प्रचार से बचा जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कई बार दूसरे दलों को आगे करके लड़ती है और कई बार सीधे लड़ती है। राजनीतिक दल जानते हैं कि किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में वोट का प्रतिशत बढ़ा है। भाजपा बेईमानी नहीं करेगी तो सफाया होगा। भाजपा के लिए काम करते हैं अधिकारी अखिलेश। सपा प्रमुख ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अधिकारी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा के मंत्रियों और प्रभावशाली नेताओं के बूथों की समीक्षा के सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा इस बात की करनी चाहिए कि उन्होंने कितने अधिकारियों से बेईमानी करवाई है। सहारनपुर में एक अधिकारी ने निष्पक्ष होकर रिजल्ट दे दिया, उसकी शटिंग कर दी, उसको छुट्टी पर भेजने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में यह बात आई कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काउंटिंग से लेकर रिजल्ट तक काम करते हुए दिखाई दिए हैं।